और इंडिया ने बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का पहला टेस्ट मैच जीत लिया है बहुत बड़े मार्जिन के साथ, करीब करीब 300 रन के साथ उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया के मैदानों में सख्त तरीन मैदान पर्थ ऑप्टस स्टेडियम में शिकस्त कर दी है। 295 रन से आना बहुत बड़ी बात है टेस्ट मैच में, ऑस्ट्रेलिया में ऑप्टस ग्राउंड में पहली हार ऑस्ट्रेलिया को अपने होम ग्राउंड पे, और स्पेशली पर्थ। एक होता है मारना, एक होता है आगे पीछे ऊपर नीचे चारों तरफ से मारना और भिगो भिगो के मारना। भारतीयों ने कैंगरूज को उन्हीं के मुल्क के जाके उन्हीं के क्राउड के सामने भिगो भिगो के मारा और पानी तक नहीं दिया उनको। मगर कौन ये इमेजिन कर सकता है कि पर्थ के अंदर जहां पर ऑस्ट्रेलिया अभी तक एक मैच नहीं हारा है इस बुरे से हारेगा। पहला टेस्ट मैच पर्थ में इंडिया जीत चुका है, पहली विजिटिंग टीम है जिसने पर्थ में ऑस्ट्रेलिया को टेस्ट मैच हरा दिया है। भाई ये क्या राइवलरी हुई, हम बैठे थे कि पता नहीं कोई दो दिग्गज टीमें जो है वो आपस में लड़ रही है, लेकिन इससे सुपरमैन और मिस्टर बीन का मुकाबला तुम लोगों ने करा दिया। पर्थ के ग्राउंड के अंदर ऑस्ट्रेलिया को इससे गंदी हार आज तक जिंदगी में नहीं हुई। इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को ऐसा हरा के पूरी एशियन कंट्रीज का सर फखर से बुलंद करके रख दिया। इन सारों गौरों का यही हाल करना चाहिए था, ऐसे इनको रुलाना चाहिए था। हम देख रहे हैं जैसे हमारा कल मैच हुआ जिम्बाब्वे, हम हार गए। इंडिया को क्रिकेट टीम बहुत ज्यादा खुशियां देती है, कौम को, चाहे वो वर्ल्ड कप का फाइनल में पहुंचे जो हारे, फिर T20 जीते और ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हरा दिया। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को थोड़ी सी सीख लेनी चाहिए, और सीख किससे लेनी चाहिए, इंडियन डोमेस्टिक स्ट्रक्चर से। कि इंडियन का डोमेस्टिक स्ट्रक्चर कैसा है, आपने ऑस्ट्रेलिया के गेंस देखा, जो उनके यंगस्टर्स हैं वो सेंचुरियां मार रहे हैं और हमारे जो यंगस्टर हैं वो खचे मार रहे हैं। ये प्रेशर लेके न्यूजीलैंड की सीरीज हार के भारत चुप करके जो है ना ग्राउंड में उतरा, और ग्राउंड में उन्होंने गुरों की वो धुलाई लगाई है कि देख के उनके मुंह देख के लाल लाल सुर्ख सुर्ख मुंह देख के उनके जो है ना तरस आने लग गया था एंड में कि यार इतनी पटाई नहीं लगाओ, इतना डोमिनेंस नहीं लगाओ। इंडिया जब बैटिंग करती थी ऐसे लगता था बैटिंग पिच है, ऑस्ट्रेलिया जब बैटिंग करती है ऐसे लगता है बॉलिंग पिच है। मतलब कि पिच के अंदर कोई मसला तो नहीं किया इंडिया ने, बड़े लोगों के दिमाग में हो गए, हेटर्स के दिमाग में। ओ भाई ऑस्ट्रेलिया की पिच थी, इंडिया की पिच थोड़ी थी जो इस तरह के नाम लगाना शुरू करते थे। आज तो ऑस्ट्रेलिया की पिच होने के घर में जाके इतनी बड़ी शिकस्त दी, आपने देखा नहीं 50,000 का क्राउड देख रहा था, यार ये बच्चे क्या खा के आ गए। एक होता है मारना, एक होता है आगे पीछे ऊपर नीचे चारों तरफ से मारना और भिगो भिगो के मारना। भारतीयों ने कैंगरूज को उन्हीं के मुल्क के जाके उन्हीं के क्राउड के सामने भिगो भिगो के मारा है और पानी तक नहीं दिया उनको। पानी तो पूछ ही लेता है इंसान, लेकिन आपने तो पहले सेशन के बाद जब आप 150 पे आउट हुए, भारतीयों ने तो उनको पानी तक नहीं पूछा। चौथा दिन था, मरे पड़े थे, पानी तो दे देते यार कम अज कम उनको। आज गोरों का ऑस्ट्रेलियंस का गुरूर टूटा है और तोड़ दिया है गरूर गोरों का उन्होंने। आज उनकी बॉडी लैंग्वेज जो थी थ्रू आउट द गेम, वो ऐसा दूसरे दिन से लगने लग गया था कि वो मैच हार गए हैं, और ये सब भारतीय क्रिकेटर्स की वजह से हुआ है। जबरदस्त क्रिकेट खेली है उन्होंने इन चार दिन के अंदर, जो है कैंगरूज को पानी तक नहीं पूछा है, और सब प्लेयर्स जो चार पांच बड़े प्लेयर्स हैं, टीम एफर्ट होती है, चार पांच बड़े प्लेयर्स ने उनको भिगो भिगो के मारा है और मजा आया क्रिकेट देखने का। ये प्रेशर लेके न्यूजीलैंड की सीरीज हार के भारत चुप करके जो है ना ग्राउंड में उतरा, और ग्राउंड में उन्होंने गुरों की वो धुलाई लगाई है कि देख के उनके मुंह देख के लाल लाल सुर्ख सुर्ख मुंह देख के उनके जो है ना तरस आने लग गया था एंड में कि यार इतनी पटाई नहीं लगाओ, इतना डोमिनेंस नहीं लगाओ। तो भैया ये क्रिकेट है जो भारत ने प्रोड्यूस की है, और उनके जयसवाल की तरफ से एक ब्राइट फ्यूचर नजर आया कि मुंबई की सड़कों से आके, डेयरी फार्म से आके, जिस तरह वो पर्थ की यू नो ग्राउंड्स में भारत के लिए परफॉर्मेंस उन्होंने की है, सदियों याद रखी जाएगी ये परफॉर्मेंस। लेकिन भारत के प्लेयर्स हैं कि वो जो है ना हथियार डालने के लिए वो राजी नहीं थे, उन्होंने किला फतह करना था, जाके उन्होंने किला फतह किया है और ऐसा किया कि पानी तक नहीं पूछ रहे किसी को, जाके पर्थ पे जो है उन्होंने अपना झंडा गाड़ दिया है। पाकिस्तान के अंदर भी बहुत ज्यादा फैंस हैं इनके, और जो उनकी क्रिकेट को बहुत ज्यादा सराहा रहे हैं, और दूसरी तरफ जब वो अपनी टीम को देख रहे हैं, पाकिस्तान की टीम को, कि जिम्बाब्वे से भी वो हार गई है, तो इस पे बहुत दुख भी होता है उनको। एक तरफ आपकी नेबरिंग कंट्री है जो इतनी डोमिनेट कर रही है और डोमिनेंस परफॉर्मेंस दे रही है अगेंस्ट कैंगरूज, और दूसरी तरफ आप जा रहे हैं जिम्बाब्वे, और जिम्बाब्वे में जाके आप जो है 62 या 68 फॉर 6 हो गए 21 ओवरों के अंदर, और आप उनसे भी मैच हार गए, तो एक शर्म का मुकाम है। इंडिया ने पहला ही टेस्ट मैच पर्थ में ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया और चारों शाने चित कर दिया। तीनों टॉप क्लास बैटर को आउट करा बुमराह ने। क्रेडिट गोज टू जी इंडियन टीम, एक वो टीम जो 3 टेस्ट मैच हार कर आई है और जीती। क्यों जीती पता, दिलेरा ने फैसला करा टॉस जीत के पहले बैटिंग करने का। अभी तो एक दिन और 1.5 घंटे का मैच बाकी था, चौथे दिन में ही खत्म कर दिया। ऑस्ट्रेलियन बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के लिए तैयारी वो जो होती है वो करी नहीं उन्होंने, जिस तरह एशेज के लिए करते ना, कोई प्लान ही नहीं है उनका। बूम बूम साहब ने बता दिया
कि ये जो आईसीसी की जो रैंकिंग है ना सब फेक है। कौन T20 का बेस्ट बॉलर है, कौन अपने एक स्पेल से T20 में आउट करा देता है, कौन 50 ओवर में आउट करा देता है पूरी टीम को, कौन टेस्ट मैच में आउट करा देता है। आठ आउट करें, प्लेयर ऑफ द मैच सही दिया, 295 रन से आना बहुत बड़ी बात है टेस्ट मैच में। ऑस्ट्रेलिया में ऑप्टस ग्राउंड में पहली हार ऑस्ट्रेलिया को अपने होम ग्राउंड पे, और स्पेशली पर्थ। हम देख रहे हैं जैसे हमारा कल मैच हुआ जिम्बाब्वे, हम हार गए। इंडिया को क्रिकेट टीम बहुत ज्यादा खुशियां देती है, कौन कौन, चाहे वो वर्ल्ड कप का फाइनल में पहुंचे जो हारे, फिर T20 जीते और ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हरा दिया। और इंडिया ने बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का पहला टेस्ट मैच जीत लिया है बहुत बड़े मार्जिन के साथ, करीब करीब 300 रन के साथ। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया के मैदानों में सख्त तरीन मैदान पर्थ हॉप स्टेडियम में शिकस्त कर दी है। ऑस्ट्रेलिया इस वक्त परेशान है, क्यूरेटर की शामत तो आई ही होगी कि ऐसी कैसी पिच बना दी है जो इंडिया के हक में हो गई है। लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग, इट्स नॉट अबाउट द पिच, इट्स अबाउट द टैलेंट, इट्स अबाउट द बैकग्राउंड। जो आपकी क्रिकेटिंग बैकग्राउंड होती है वो बहुत मैटर करती है, ऑस्ट्रेलिया की भी है। लेकिन इंडिया ने जिस तरह से आज ऑस्ट्रेलिया को डाउन किया है बहुत ही शानदार अंदाज में किया है। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को थोड़ी सी सीख लेनी चाहिए, और सीख किससे लेनी चाहिए, इंडियन डोमेस्टिक स्ट्रक्चर से। कि इंडियन का डोमेस्टिक स्ट्रक्चर कैसा है, आपने ऑस्ट्रेलिया के गेम्स देखा, जो उनके यंगस्टर्स हैं वो सेंचुरियां मार रहे हैं और हमारे जो यंगस्टर हैं वो खचे मार रहे हैं, बहुत फर्क है। देखिए आप जयसवाल की आप इनिंग देख लें उठा के, कोई आपको ऐसा शॉट नहीं दिखाई देगा जो मास्टर क्लास शॉट नहीं होगा, और अगेंस्ट द टॉप बॉलिंग ऑस्ट्रेलियन साइड के खिलाफ। फिर अगर आप देखें पाकिस्तान की टीम को, दुनिया की वो टीम जो चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं खेल रही, जो चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं है, टॉप 10 में उनका शुमार नहीं होता है, वो आप उनसे मैच कैसे आ रहे हैं? आप वो छोड़ दें, आप इंडिया की कहां पीछे, वो कहते कौवा चला हंस की चाल अपनी भी भूल गया। आप किनकी चालों के पीछे लग गए, पहले खुद तो चलना सीख ले भाई। पहला टेस्ट मैच पर्थ में इंडिया जीत चुका है, पहली विजिटिंग टीम है जिसने पर्थ में ऑस्ट्रेलिया को टेस्ट मैच हरा दिया है। भाई ये क्या राइवलरी हुई, हम बैठे थे कि पता नहीं कोई दो दिग्गज टीमें जो है वो आपस में लड़ रही है, लेकिन सुपरमैन और मिस्टर बीन का मुकाबला तुम लोगों ने करा दिया। कौन सी राइवलरी है मेरे मासूम ऑस्ट्रेलिया वालों के साथ, इतना बड़ा जुल्म हो गया है, इस खड्डे में मुंह दे के सांस रोकूं अपना, समझ नहीं आ रहा है। तो कहां से बिस्ती कहां से छुपाए यार, उनके लोग जो है वो क्या कुछ पर्थ में जाके ऑस्ट्रेलिया को हरा रहे हैं और हम जिम्बाब्वे में, उधर कमी पूरी कर दी हमने पर्थ की, हमने वो पर्थ बना। खैर जलील ये हो चुके हैं इंडिया के हाथों ऑस्ट्रेलिया के अंदर। और जहां तक बात है गेम की, तो भाई एक ही पिच के ऊपर इंडिया भी खेल रहे हैं, उसी पिच के ऊपर ऑस्ट्रेलिया भी खेल रहे हैं, उन्होंने उसके एक जगह पर 400-500 रन बना रही है, और अगली टीम जो आके, जो मैं तुम लोगों ने सिर्फ 20 मिनट इनसे सर्वाइव नहीं हुआ जा रहा था उन्हीं पिच उसी कंडीशन के ऊपर, तो इंडिया वॉज द बेटर टीम। और ऐसे कम बैक के बाद 150 के ऊपर आपकी ऑल टीम आउट हुई भी हो, और उसके बाद आप आके उसी दिन, या तो बंदा कहना चलो अगले दिन आके कम बैक हो गया, उसी दिन इन्होंने कम बैक कर लिया था। और हाईलाइट उसमें कौन थी, मेरा दोस्त बुमरा, वो जो उसने किया था ना उस दिन बॉलिंग में, वहां से वैसे ही कॉन्फिडेंस आ गया पूरी टीम के लिए। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को उनके सबसे फेवरेट ग्राउंड में चारों शाने चित कर दिया। ये टेस्ट मैच पूरा का पूरा देख लें, आपको बुमराह, जयसवाल, विराट कोहली के गिर्द घूमता नजर आएगा, बल्कि डीएसपी सिराज ने भी खूबसूरत बॉलिंग की। मगर कौन ये इमेजिन कर सकता है कि पर्थ के अंदर, जहां पर ऑस्ट्रेलिया अभी तक एक मैच नहीं हारा है, इस बुरे से हारेगा, लगा ही नहीं कहीं पर भी ऑस्ट्रेलिया खेल रहा है, बॉलिंग कर रहा है तो लग रहा है कि पता नहीं कौन सी टीम खेल रही है, बैटिंग कर रहा है तो बहुत ही फीका लगा है, और दोनों इनिंग्स में फीका लगा है इंडिया के सामने, बल्कि मैं कहूंगा कि जसप्रीत बुमराह के सामने। अब पहला टेस्ट मैच जीते हैं, और ऑस्ट्रेलिया का मैं रिकॉर्ड देख रहा था कि उनकी पूरी क्रिकेट हिस्ट्री में, टेस्ट क्रिकेट हिस्ट्री में सिर्फ 4 बार ऐसा हुआ है कि वो पहला टेस्ट मैच हारे और फिर वो सीरीज जीते हो, अदरवाइज वो हमेशा सीरीज हारते हैं पहला टेस्ट मैच हारने के बाद। और मुझे नहीं लगता कि ऑस्ट्रेलिया टीम को न जाने क्या हुआ, या तो इनके पर काटे हैं इंडिया ने एकदम ऐसी फीकी टीम, मगर इंडिया ने कमाल कर दिया है। मतलब पर्थ के ऊपर जब से होश संभाला यही सुनने को मिलता है कि यू नो कि बाउंस बहुत मिलेगा, बाउंसर्स मिलेंगे आपको, स्लेजिंग मिलेगी ऑस्ट्रेलिया की, ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल एक हेल्पलेस ऑस्ट्रेलिया नजर आया। मगर सबको मिला के सामने एक बंदा खड़ा कर दें, वो है जसप्रीत बुमराह, जो इन तीनों से डिफरेंट लगे हैं। और सोचिए कि जसप्रीत बुमराह की ऑस्ट्रेलिया के अंदर इकोनॉमी इनके अपने जो जिसे बोलते हैं ना स्ट्राइकर बॉलर, उनसे कहीं बेहतर है। और ये इकॉनमी को लेकर आप टेस्ट में सोचते हैं, मैंने उनका उनका T20 वर्ल्ड कप में उठाकर देख लें, अंडर 5 इकॉनमी के साथ रन दिए उन्होंने T20 वर्ल्ड कप के अंदर, मतलब एक कंप्लीट पैकेज है जो आपको T20 वनडे टेस्ट हर तरह से एक डिफरेंट बॉलर नजर आता है। और कहीं पर भी पर्थ के अंदर ऑस्ट्रेलिया नजर नहीं लग रहा था कि इंडिया अपने होम ग्राउंड पर खेल रहे हैं। और फिर जसप्रीत बुमराह का जवाब ढूंढना पड़ेगा ऑस्ट्रेलिया को, वरना ये उनके लिए बहुत महंगा पड़ेगा। और देखिए एक टेस्ट मैच की हार नहीं है ऑस्ट्रेलिया के लिए, हम ऑस्ट्रेलिया दो पर्सपेक्टिव में सोच रहा है, एक बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के पर्सपेक्टिव में और एक WTC के पर्सपेक्टिव में। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के पर्सपेक्टिव में हमको जिल्लत या शर्मिंदगी इस बात से होगी कि कोई एशिया टीम उनको हैट्रिक मार गई है, अभी 2 दफा वो हार चुके हैं, अगर इंडिया यहां पर 3 टेस्ट मैच 2 ओवर जीत लेता है तो हैट्रिक हो जाएगी, कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी अब हैट्रिक मार गए हैं ऑस्ट्रेलिया के घर में घुसकर।
ये एक कभी ख्वाब हुआ करता था एशियन टीमों का, शायद इंडिया का भी रहा है, अगरचे उनकी वो टीम जिसमें आप उठा के देखें सचिन तेंदुलकर थे, जिसमें राहुल द्रविड़ थे, लक्ष्मण थे, गंगोली थे, वो टीम ये काम उस तरह से नहीं कर पाई जो अब के लड़के इनके कर रहे हैं। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया के अंदर हराना ये हर एक के बस की बात है नहीं, और हमें ये इसलिए ज़्यादा लुभा रहा है कि भाई हम तो 95-96 में लास्ट बार ऑस्ट्रेलिया को कोई टेस्ट मैच हरा पाए हैं, उसके बाद तो हम नज़दीक नहीं आए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का क्रिकेट प्लेयर चैनल पर। आज की वीडियो में बात करेंगे भारत के उस शानदार ऐतिहासिक पल की जो क्रिकेट के इतिहास में सुनहरा अक्षरों में लिखा जाएगा। जी हाँ, भारत ने आज पर्थ की जमीन पर ऑस्ट्रेलिया को करारी हार देकर क्रिकेट की दुनिया में एक नए काल की शुरुआत कर दी है। दोस्तों, भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 295 रन के बड़े मार्जिन से हराया है, और ये मार्जिन इतना जबरदस्त है कि ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीम के लिए भी डाइजेस्ट कर पाना मुश्किल हो रहा है। पर्थ जो ऑस्ट्रेलिया के लिए एक किला माना जाता था, जहां उन्होंने हर टीम को ऐसे हराया जैसे वो अनबीटेबल है, भारत ने उस किले को ध्वस्त कर दिया है। ये जीत सिर्फ एक मैच का नतीजा नहीं है, बल्कि भारत के क्रिकेट का एक नए काल का प्रारंभ है। पाकिस्तान मीडिया इस बात से चौंक गई है, वो हैरान है, और कुछ लोग तो ये बात मानने को तैयार ही नहीं है कि भारत की टीम इतनी मजबूत कैसे हो गई है। वही उनके एक्सपर्ट एक के बाद एक एनालाइज करते नजर आ रहे हैं कि भारत के डोमेस्टिक क्रिकेट स्ट्रक्चर इतना शानदार कैसे हो गया है। दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया सिर्फ यह नहीं मान रही है कि भारत ने जीत हासिल की है, बल्कि वो ये भी एक्सेप्ट कर रहा है कि आज भारत के प्लेयर ऑस्ट्रेलिया के पिच पर भी डोमिनेट करने लगे हैं। पर्थ की वो क्रिकेट जहां स्पिनर को भी मौका नहीं मिलता था, भारत के अश्विन और जडेजा जैसे स्पिनर ने वही जमीन पर मैजिक दिखाया। वही फास्ट बॉलर बुमराह और सिराज ने ऐसी खतरनाक बॉलिंग की कि पूरी ऑस्ट्रेलिया बैटिंग लाइनअप पशपश हो गई। बात सिर्फ यही खत्म नहीं होती, भारत के बैट्समैन केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल ने जिस मैच्योरिटी और एग्रेशन के साथ बैटिंग की वो सबको सरप्राइज कर गया। उन्होंने सिर्फ रन नहीं बनाए बल्कि एक स्टेटमेंट दिया है कि भारत की बैटिंग लाइनअप दुनिया की किसी भी पिच पर डोमिनेट कर सकती है। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी पाकिस्तान मीडिया रिएक्शन की? आप इस भारत की जीत को कैसे देख रहे हैं? कहीं तारीफ, कहीं जलन और कहीं हैरानी की तरह रिएक्शन आपको मिलेगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।